का एसकेएमसीएच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों को अस्पताल के पीछे ही जला दिया जाता है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाती उसकी खानापूर्ति अस्पताल के पीछे एसकेएमसीएच कैंपस में ही कर दी जाती है। अस्पताल परिसर को ही शमशान बना दिया गया है। इस बात का खुलासा परिसर में मिली एक खोपड़ी और मिलने से हुआ है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में शवों को जलाया गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर एसकेएमसीएच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसकेएमसीएच में बड़ी लापरवाही। अस्पताल परिसर में बनाया शमशान। लापरवाही के लिए कौन है जिम्मेदार? अभी तक चमकी बुखार के कारण एसकेएमसीएच सुर्खियों में है, लेकिन अब इस अस्पताल की चर्चा नरकंकाल को लेकर हो रही है। अस्पताल के पीछे बड़ी संख्या में नरकंकाल मिले। कहा जा रहा है कि परिसर के पीछे अज्ञात शवों को जलाने का काम होता है। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ जहां डॉक्टर्स की कमी के कारण एईएस पीड़ित बच्चे जो है वो मरते रहे, दूसरी तरफ एक और लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं एसकेएमसीएच का ये पिछला हिस्सा है जहां इस कैंपस में शव को जलाया गया है, दाह संस्कार किया गया है। लेकिन ये कैसा संस्कार हुआ है? संभवतः ये लवारिस शव जो आते हैं उसे जलाया गया है। खबरें जब बाहर आई तो तुरंत ही जांच के लिए टीम भेज दी गई। जांच टीम मौके पर पहुंची, हालात को देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा कि इसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को दूंगा। जिनके अंडर में डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल साहब से मैं पहले उनसे बात करता हूं जो इस किस परिस्थिति में ऐसा है, और उनको कहूंगा एक जांच समिति बैठाए किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। ये जो यहाँ पर मैं लगा देना, इन सारी चीजों की रिपोर्टिंग प्राचार्य को करूंगा। प्रेस ब्रीफिंग के अधिकृत वही है। तस्वीरें देखकर हालात को समझा जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही अस्पताल में बरती जा रही थी। मामला खुला तो जांच की गई, अब रिपोर्ट भेजी जाएगी तो इंतजार कीजिए कि रिपोर्ट क्या निकलता है और इस पर क्या कार्रवाई होती है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में नरकंकाल मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सफाई दी गई है कि जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। दरअसल एसकेएमसीएच के परिसर के पीछे नरकंकाल मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग से सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार के अस्पतालों में स्थिति ये हो गई है कि शव अस्पताल कैंपस में जलाए जा रहे हैं? चमकी बुखार से बच्चों की मौत को लेकर पहले से एसकेएमसीएच सुर्खियों में है। कैसा है, क्या नरकंकाल है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो अनुसंधान का विषय है। आपकी जानकारी को हमने ग्रहण किया है और पता लगाया जाएगा कि वो कहाँ से आया है भी कि नहीं आया है।